नमस्कार दोस्तों, बिजनेस आइडियाज़ बस्ती यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम घरेलू महिलाओं से जुड़े 10 बिजनेस के बारे में बताएंगे। ये 10 बिजनेस ऐसे हैं जिसे घर की महिलाएं अपने काम काज को करते हुए, अपने बच्चे को संभालते हुए, इन सभी बिजनेस को एज ए साइड बिजनेस के रूप में कर सकती है और घर से काफ़ी अच्छी कमाई कर सकती है इन बिजनेस को करके। तो आइए जानते हैं इन बिजनेस के बारे में। पहला बिजनेस है होममेड केक, चॉकलेट और नमकीन बनाने का बिजनेस। दोस्तों, इस बिजनेस को शुरू करने से पहले आपको ये सीखना होगा कि केक, चॉकलेट और नमकीन कैसे बनाया जाता है घर से। इसके लिए आप यूट्यूब के जरिए आप सीख सकते हैं और इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं आप अपने घर से और काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं। आप बर्थडे में केक बनाने के लिए आप केक का ऑर्डर ले सकते हैं, अपने चॉकलेट और अपने नमकीन आइटम को दुकानों में सेल कर सकते हैं और अपने घर से, अपने गाँव से काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं। दूसरा बिजनेस है दोस्तों, वो है सिलाई और ब्यूटी पार्लर का बिजनेस। दोस्तों, सिलाई और ब्यूटी पार्लर का कोर्स सीखकर आप अपने घर से इस बिजनेस को काफी आसानी के साथ शुरू कर सकते हैं और काफी अच्छी कमाई कर सकते हैं आप अपने गांव से, अपने घर से इस बिजनेस को करके। अगला बिजनेस है टिफिन सर्विस का बिजनेस। दोस्तों, आप टिफिन सर्विस का बिजनेस आप काफी कम पूंजी के साथ शुरू कर सकते हैं और इस बिजनेस से अच्छी कमाई कर सकते हैं। अगर आप शहर में रहते हैं तो आप टिफिन सर्विस का बिजनेस जरूर करें। हालांकि इस बिजनेस को खड़ा करने में थोड़ा सा जरूर समय लगता है, आपको कस्टमर जैसे ही बेस बड़ा होगा आप इस बिजनेस से काफी अच्छी कमाई कर सकते हैं आप अपने घर से। अगला बिजनेस है पापड़ बनाने का बिजनेस। पापड़ बनाने का बिजनेस कोई भी महिला अपने घर से शुरू कर सकती है। पापड़ बनाने का मशीन जो है 15,000 से 20,000 रुपए में काफ़ी अच्छी क्वालिटी की मशीन आपको मिल जाएगी इंडिया मार्ट से, जहां से आप इसको खरीद सकते हैं और इसका रॉ मटेरियल भी आपको काफ़ी आसानी के साथ आपके लोकल मार्केट में मिल जाता है, जिसके जरिए आप अलग अलग तरह के पापड़ को बना सकते हैं और अपने होलसेल मार्केट में, अपने रिटेल मार्केट में, अपने अगल बगल के दुकानों में आप पापड़ को सप्लाई कर सकते हैं पैकिंग करके और काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं आप अपने घर से इस बिजनेस को करके। अगला बिजनेस है अगरबत्ती बनाने का बिजनेस। अगरबत्ती बनाने का बिजनेस आप बहुत ही कम पूंजी के साथ अपने घर से शुरू कर सकते हैं इस बिजनेस को। अगरबत्ती बनाने वाली जो मशीन आती है आपको 20,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये में अच्छी मशीन आपको मिल जाएगी, जिसके जरिए आप अगरबत्ती बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं और अपने घर से काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं इस बिजनेस को करके। अगला बिजनेस है साड़ी का बिजनेस। साड़ी का बिजनेस आप अपने घर से काफ़ी आसानी के साथ शुरू कर सकते हैं और इस बिजनेस के जरिए काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं। साड़ी का बिजनेस आप 10,000 से लेकर 15,000 रुपये के छोटे निवेश के साथ इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और काफी आसानी के साथ आप इस बिजनेस को अपने घर से शुरू करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। अगला बिजनेस है ट्यूशन क्लासेस का बिजनेस। आप घर पे सभी काम को करते हुए भी आप ट्यूशन क्लासेस बच्चों को दे सकते हैं और काफी अच्छी कमाई कर सकते हैं। अगर आपको किसी विषय के ऊपर अच्छी जानकारी है, अच्छे से नॉलेज है, तो आप उसकी ट्यूशन क्लासेस दे सकते हैं बच्चों को और काफी आसानी के साथ आप अपने घर से इस बिजनेस को करके ट्यूशन पढ़ाकर अच्छी कमाई कर सकते हैं। अगला बिजनेस है अचार बनाने का बिजनेस। अगर आपको अचार बनाना आता है और आप अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग प्रकार के अचार बनाने के लिए जानते हैं, तो आप इस बिजनेस को अपने घर से शुरू कर सकते हैं और काफी अच्छी कमाई कर सकते हैं आप अचार का बिजनेस करके। अगला बिजनेस है मील का बिजनेस, जहाँ पे आप सभी तरह के मसाले, गेहूं, चावल इत्यादि सभी चीज़ों को आप पिसाई कर सकते हैं और लोगों को दे सकते हैं। ऐसी कई सारी ऑटोमेटिक मशीनें आती हैं जो कि बहुत ही छोटी होती है और जिसके जरिए हर तरह के मसाले, गेहूं, चावल वगैरह आप पीस सकते हैं। तो इस मशीन को आप खरीद सकते हैं और अपने घर से इस बिजनेस को शुरू करके काफ़ी आसानी के साथ अच्छी कमाई कर सकते हैं। अगला बिजनेस है मशरूम की खेती का बिजनेस। आप मशरूम की खेती कैसे किया जाता है, इसकी प्रशिक्षण लेकर आप अपने घर से इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और मशरूम की खेती करके आप काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं आप अपने घर से इस बिजनेस के जरिए।